अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो मैं वीडियो आपके लिए ले आया हूँ वो आप कोई भी नॉर्मल वीडियो आप बनाएं और उसको फुल HD KV में कैसे कन्वर्ट करें। और आजकल जो एक नया फिल्टर आया हुआ है तो वो फिल्टर भी आप कैसे बनाएं, वो फिल्टर असल में नहीं होता है, फिल्टर मौजूद नहीं है, उसको बनाना पड़ता है इफेक्ट के ज़रिए अलाइट मोशन से, वो कैसे बनना है तो उसका मैं आसान तरीका आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय बताएं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको अलाइट मोशन वीडियो एडिटर है उसको डाउनलोड कर देना है। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आपने क्या करना है, अलाइट मोशन में क्लिक करना है। अलाइट मोशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये जो प्लस वाला आइकॉन गोल वाला नज़र आ रहा है बड़ा वाला, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको 16:9 रेशियो पे क्लिक करके और आपको जितना भी HD रखना है आप देख सकते हैं, फुल HD जो जो फॉर्मेट है आप रख सकते हैं। तो मैं फुल HD पे ही रख रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप जैसे इधर आएंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन नज़र आ रहा है एड वाला, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपको आपका जो फाइल पड़ा हुआ है उस वीडियो को सिलेक्ट कर ले अपने गैलरी से। बस मैंने अपना वीडियो सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं ये मेरा नॉर्मल वीडियो है। तो अभी इसमें मैं अपना वो फैक्ट यानी फिल्टर डालूंगा। तो सबसे पहले आप जैसे ही आप इस वीडियो को ऐसे ले आएंगे तो आपको फिर से दोबारा एड वाला बटन दबाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो यहाँ पे ये जो फिल्टर है चार कोने वाला, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसका कलर कोई भी हो उसको फुल करके फुल स्क्रीन पर ले आना है। ले आने के बाद आपने फिर क्या करना है, कलर एंड फिल करना है। कलर एंड फिल करोगे तो आपको इधर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपने क्या करना है, ये ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी होगी नज़र ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, डिफेंस नज़र आ रहा है आपको, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने सब डिफेंस को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने को 100 पे ही रहने देना है और यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पे इफेक्ट डालने हैं। तो इफेक्ट आप कैसे डालेंगे, आप जैसे इधर इफेक्ट में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये जो कॉपी बैकग्राउंड आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कॉपी बैकग्राउंड ये ऊपर ऊपर वाला फिल्टर आपको ये क्लिक करके उसमें ऐड करना है, में ऐड करना है। और दूसरा आपने क्या करना है, फिर से तीन इफेक्ट डालने हैं आपने। दूसरा आपको करना है गोजन बिलर, गोजन बिलर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, उसको आपने तीसरा करना है एक्सपोजर गामा। जैसे आप एक्सपोजर गामा करेंगे तो अब इनका ये तीनों फिल्टर आ गए। अब इनकी सेटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपको मैं समझाता हूँ आपने क्या करना है। गोजन ब्लर पे आना है। गोजन ब्लर पे आने के बाद आपको इसको कम से कम 0.600 कर देना है। 0.600 करने के बाद फिर से यहाँ पे एक्सपोजर गामा पे आना है। एक्सपोजर गामा पे आने के बाद आपको क्या करना है, इधर इसको -0.40 पे करने के बाद आपने फिर से इसको क्या करना है, इस पे भी आपने सेम 0.600 पे लेके आना है। 600 पे लाने के बाद आपने क्या करना है, ऑफेस को भी -0.3 पे ले आना है, -0.3 पे ले आना है, -0.3 पे ले आने के बाद आपका ये वीडियो बन गया। आप देख सकते हैं आसानी के साथ ये फिल्टर बन गया। तो अब इसको आप क्या करेंगे, सेव कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो ये ओरिजिनल वीडियो है और ये हमारा फिल्टर वाला है। तो आप इसको क्लिक करके, इसको क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरे वीडियो भी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी ऐसे करना है और ये अब पूरे वीडियो पर आ गया है, ये फिल्टर लग गया है हमारे।
हमारा जो पूरा वीडियो है इस पर ये फिल्टर लग गया है। तो व्यूअर्स अब ये जो ऊपर एयर वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको वीडियो पे एक्सपोर्ट करना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ये ख़त्म होगा तो व्यूअर्स ये हमारा वीडियो बन गया है, अभी ये मुकम्मल हो गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। मोशन वीडियो एडिटर के हिसाब से जो भी वीडियो बनेंगे हम यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। शुक्रिया, शुभ आज्ञा।